नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका पेट भी भरा भरा रहता है? हिएटल हार्निया ये हो सकता है। आइए इसके कारण, लक्षण एवं बचाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, खाना मुंह को आना ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि हिएटल हार्निया की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, कई लोगों में पेट से जुड़ी एक गंभीर समस्या होती है जिसमें पेट भरा भरा लगना, भारीपन, पेट से भोजन नली की ओर जलन महसूस होना। अगर आपको भी ये समस्या होती है तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हिएटल हार्निया भी हो सकता है। क्या है हिएटल हार्निया? हमारी आहार नली गले के नीचे से शुरू होकर डायफ्रेम यानी पेट तक पहुँचती है। इसके बीच में एक छोटा सा भाग होता है जो सीने तथा पेट के अंगों को एक दूसरे से अलग रखते हुए शरीर के दोनों क्षेत्रों को हिस्से में विभाजित करता है, हिएटल कहलाता है। कुछ स्वस्थ परिस्थितियों में यह हिएटल का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेट, जो कि डायफ्राम के नीचे की तरफ होता है, खिसक कर ऊपर की तरफ आ जाता है। इस स्थिति को हम हिएटल हार्निया कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हिएटल हार्निया के क्या क्या लक्षण होते हैं। हिएटल हार्निया की स्थिति में खाना खाने के बाद मरीज को महसूस होता है कि खाना ऊपर की ओर आ रहा है या खाना मुंह में आ रहा है। दोस्तों, दूसरा लक्षण पेट में भारीपन बना रहना या फिर पेट भरा भरा लगना भी इसका एक लक्षण होता है। ऐसे में मरीज को महसूस होता है कि खाना पेट में ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। तीसरा लक्षण, हिएटल हार्निया होने पर एसिडिटी बनी रहती है और कई बार सीने में जलन या दर्द की स्थिति भी होती है। चौथा कारण, खाना निगलने में समस्या आना, गले में खराश होना और सांस फूलना, अपच, जी मचलाना की समस्या भी हिएटल हार्निया के लक्षण होते हैं। आइए अब इसके बचाव के बारे में जानते हैं। अधिक भारी या मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए, साथ ही एक बार में बहुत अधिक भोजन करने से भी बचें। दूसरी चीज, भोजन करने के तुरंत बाद नहीं लेटें, अन्यथा खाना पेट से आहार नली की तरफ आएगा और आपको ज़्यादा समस्या महसूस हो सकती है। तीसरी चीज, भोजन को टुकड़ों में खाएं, अच्छी तरह चबाकर खाएं। चौथी चीज, थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि वे आसानी से पेट में जाकर पच जाए। दोस्तों, अपने वजन को नियंत्रित रखें, क्योंकि वजन ज़्यादा होने से हिएटल हार्निया होने पर आप अधिक भार या दबाव महसूस करेंगे। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी का अधिक सेवन या गर्म तासीर की चीज़ें खाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि हिएटल हार्निया क्या होता है और ये इसका कारण, इसका लक्षण क्या है और एवं इसके बचाव के क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि हम इसमें आयुर्वेदिक उपाय और आयुर्वेदिक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगी।